भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल गठित करने का फैसला रविवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के बाद लिया जाएगा। उमेश कोले मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी इरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामले में सातवीं गिरफ्तारी है। इरफान को मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा जुबैर को शनिवार को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने इस मामले में उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी। उनकी 4 दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले महीने से लगातार बड़े स्तर पर आईपीएस के तबादले कर रही है। पिछले महीने उसने 25 जून को 15 आईपीएस का ट्रांसफर किया था। इसके अगले ही दिन 17 आईपीएस का तबादला कर दिया गया था। अब शनिवार को 21 और आईपीएस को इधर उधर कर दिया गया है। बीजेपी ने शनिवार को राजस्थान के उदयपुर में बीते दिनों दर्जी की निर्मम हत्या में शामिल हत्यारों में से एक के साथ संबंधों के चर्चा का खंडन किया। दरअसल हत्या के बाद जारी विवादों के बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को शेयर की है जिसमें हत्या में शामिल एक आरोपी बीजेपी नेता के साथ दिख रहा था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अजीब याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेल में बंद गुरमीत राम रहीम बंद नकली है व असली डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नहीं है। इसकी जांच की मांग की गई। राहुल गांधी से जुड़े वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर कहा है कि वह झूठ फैलाने के लिए अपने नेताओं की तरफ से माफी मांगे। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नकारा कहा। उन्होंने कहा कि हम पीएम से पूछेंगे कि वह ऐसे नकारा मंत्री को क्यों रखते हैं जो एब्सेंट माइंडेड होते हैं। जून के आखिरी महीने में कैथकी को जमानत मिली थी। इसके बाद अब कैथकी एक बार फिर खबरों में आ गई है। कैथकी का कहना है कि उनके साथ ठाणे जिले की जेल में छेड़छाड़ की घटना हुई। पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हाइलाइट्स में ऋषभ पंत के प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए जो रूट को बड़ा बताने की कोशिश की। ईसीबी के इस रवैये पर दिनेश कार्तिक नाराज दिखे।